दुनिया कहती है कि चमत्कार को नमस्कार, और हमने भी देखा है कि चमत्कार को नमस्कार, तो आपको भी दिखाते हैं। हम पहुंचे हैं जिला करनाल के गांव पोपड़ा में, और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास देख सकते हैं एक कुतिया, इसने बच्चे दिए थे, और पास ही में एक बंदरिया ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद वो बंदरिया चल बसी, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब वो बंदरिया का बच्चा रोने लगा तो इस कुतिया ने उस बच्चे को देखा, मना कह था रे बीच में ना बोलिए, बीच में नहीं बोलिए बे, छोटा सा था, जब रोने लगा तो ये कुतिया उस बच्चे को उठाकर अपने बच्चों के पास ले आई, और इसी कुतिया ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, और अब सभी कुतिया के बच्चे इस कुतिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उस बंदरिया के बच्चे ने इस कुतिया को नहीं छोड़ा। तो एक चमत्कार की एक अद्भुत मिसाल आप देख सकते हैं आपके सामने। तो चलिए आपको इसके कुछ कर्तव्य दिखाते हैं, दोनों साथ इकट्ठा कैसे रहते हैं। चोट तो नहीं भीतर ला, तो हम गेट बंद रखा भाई, कुकर ऊपर बैठ का पद्धी इसके बारी लेंदी फिर जुगर माँ बेटी रही करे। हाँ जुगर माँ बेटी रही करे बेटे, ना वो उसने पढ़ दी ना वो उसने पढ़ दी। पहला कभी देखा था नहीं ना भाई बेटा, पहली बार देखा मेरा भाई, ये रहता रहा नहीं रहा कहल का नहीं, बोले यू अखबार छपवाने का काम हो रहा था रे घर करता है तेरा भाई, बात ये रहा था मेरा रहता है। अच्छा, और रात बात ये रहा था उसका, कौन से काम था? चौथे था पोपड़ा गाँव में। जी क्या नाम है सर आपका? सत्यनारायण। तो आप इसे बच्चे को और इसे कुतिया को कितने दिन से देख रहे हो यहाँ? एक महीने से देख रहा हूँ लगातार। हाँ जी, और हमारे बच्चों ने भी थोड़ी बहुत हरकत करा है, लेकिन काटती कभी नहीं गया। अच्छा अच्छा, काटती नहीं, शरारती है वैसे, शरारती है। हाँ। एक दो पंजा हमारे लेगी, अड़के हाँ। लेगी, कान पकड़ लेगी, किसी हाँ। का मजाक कर लेगी। अच्छा अच्छा, कितना करा है यार? इसके कमर पर क्यों बैठी रहा यार? क्यों इसके आदि तो इसी की पैसा भी हिसाब चला है, हम तो न्यू सोचते हैं इसी की बच्ची होगी ना। अच्छा, इसी की बच्ची हाँ। जैसे एक बंदरिया की कमर पे बैठा है, अपने बच्चे की समान समझ रही हो। अच्छा अच्छा, ठीक है।